दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स लव। अभी बज रहे हैं सुबह के 9। सानवी और शौर्य एक बार सुबह 7:30 बजे के करीब उठे थे। मैंने उनको फीड वगैरह करा दिया और रात के उनके जो भी कपड़े थे जिसमें वो सोए थे वो मैंने बदल दिया, क्योंकि अभी जब नेक्स्ट उनकी जो मसाज और उनका नहाना वगैरह होगा वो होगा अराउंड 11:30-12, तो बहुत लंबा गैप हो जाता है रात से लेके दोपहर तक। तो एक बार मैं सुबह जो है उनका पूरा कपड़ा जो उन्होंने रात में पहना हुआ था पूरा चेंज करती हूँ, उससे उनको भी थोड़ा फ्रेश फील होता है और फिर वो जो है 1-2 घंटे की अच्छी सी नैप फिर से ले लेते हैं। और ये देखिए, सानवी और शौर्य जो है अच्छे से सो रहे हैं। और मैंने जब सुबह उनका कपड़ा चेंज किया तो मैंने उनको ये फुल जो है सेट पहना दिया, क्योंकि विंटर्स आ गए हैं, सॉक्स वगैरह, और नीचे एक मैंने इनको स्लीवलेस थर्मल पहनाया हुआ है। और इस सेट में जो है टोपी वगैरह साथ में ही है, तो इससे जो है उनके कान भी कवर हो गए हैं, तो मुझे उनको अलग से कैप पहनाने की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों को वैसे भी कैप पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और सेम चीज़ मैंने सानवी के साथ की है, सानवी ने भी एक पूरा जो है सेट पहना हुआ है, सॉक्स पहने हैं और थर्मल इनर्स पहने हैं। हाय सानवी, गुड मॉर्निंग बेबी, हाय। और रजाई उड़ा के दोनों को जो है सला दिया गया है, दोनों विंटर्स के मज़े ले रहे हैं, है ना। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं नाश्ता। नाश्ते में बन गया है एकदम गरम गरम पोहा और अदरक वाली चाय, जैसा कि आप देख सकते हैं। और सर्दियों की सुबह एक पोहा और ये अदरक वाली चाय, मतलब मज़ा ही आ जाता है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को सर्दियों की सुबह किस तरह का नाश्ता करना पसंद है। तो ये देखिए, सानवी और शौर्य जो है उठ गए हैं। इन लोगों ने अच्छी खासी 2-2.5 घंटे की नैप ली और अभी इन लोग का फीड वगैरह हो गया है। दोनों का टमी जो है फुल है ना, टमी फुल ना। अब दोनों जो है खुश हैं, अब इन लोगों का खेलने का टाइम है। आप सब लोग जो देख रहे हैं जिनके ट्विन्स हैं, मुझे बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है क्या कि एक ट्विन्स होता है तो दूसरा सो जाता है, एक उठता है तो दूसरा भी उठ जाता है, और फिर आपको समझ नहीं आता है कि किसको पहले अटेंड करें। क्या करें, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहता है ट्विन्स के साथ। तो अब ये लोग अच्छे से सो चुके हैं, तो अब ये तुरंत तो सोएंगे नहीं, ना ही मैं इनको अब सुलाऊंगी। तो अब क्योंकि बच्चे जो है बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, उनको कोई ना कोई एक्टिविटी हमेशा चाहिए, तो अब या तो मैं इनको जो है या तो इनके प्ले जिम में डाल दूँगी, नहीं तो फिर जो आजकल इनका फेवरेट टाइम पास हो रखा है वो है स्टोरी टेलिंग। तो ये लोग स्टोरी सुनते हैं, मैं इनके नेफ्यू की बुक उठा के इन लोगों के लिए स्टोरी सुनाती हूँ, ये लोग ध्यान से सुनते हैं। तो अब हम लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो ज़रूर करेंगे, है ना। हम लोग कोई ना कोई एक्टिविटी अब करेंगे, है ना सानवी। सानवी अब वो अपना नाम ये लोग जो है पहचानने लगे हैं, रिएक्ट करते हैं, है ना।
world so high, like a diamond in the sky, like a diamond in the sky. टाइम हो गया है करीब 11:30। अब सानवी और शौर्य को अच्छी सी एक मसाज मिलेगी, नहाएंगे वो लोग। न्यूबॉर्न बेबी को मसाज लेने के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है जो कि मेरे चैनल पे अवेलेबल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, है ना? सानवी अब रेडी होंगी और रेडी होने के बाद सानवी क्या पहनेंगी वो मैं आपको जल्दी ही दिखाती हूँ। बाय। दोपहर का बज गया है 1 और सानवी अपनी मसाज, नहाने और फीडिंग के बाद सो गई हैं। शौर्य के भी मसाज, फीडिंग और नहाना हो चुका है, लेकिन शौर्य बिल्कुल भी सोने के मूड में नहीं लग रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, है ना? है ना? लेकिन आप अगर ये लोग सोए तो सोएंगे 2 से 2.5 घंटे के लिए, उठेंगे करीब 3-3:30 बजे और उसके बाद पूरी शाम ये लोग जगे रहेंगे, खेलेंगे, पावर नैप्स लेंगे बीच में 5 से 10 मिनट के, है ना? तो ये था मेरा डेली मॉर्निंग रूटीन विद ट्विंस। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका डेली मॉर्निंग रूटीन कैसा रहता है, खासकर उनका जिनके पास ट्विंस हैं, प्लीज़ शेयर करिएगा और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय 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 बाय, शोर से बाय 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 बाय।